राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी सड़कों तक पहुंच चुका है। वहीं दिल्ली के लोगों को पानी के पीने की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वजीराबाद वाटर प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि दिल्ली के लोगों को पानी की समस्या हो सकती है। उन्होंने बताया कि यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला में बने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर दिया गया है। यही वजह है कि लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अभी हम लोग यहाँ पे वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है, जब 208. अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर, 6 से ऊपर है और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है। तो एक दो दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। जो हमारे पास रिपोर्ट सारी थी कि पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है, तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं वहाँ पर हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएँ देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखिए, जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा, ऐसी प्रिडिक्शंस CWC के हैं।